यात्राधाम अंबाजी में खाटू श्याम बाबा की भजन संध्या योजाई। यात्राधाम अंबाजी में बाबा खाटू श्याम भक्तों द्वारा भजन संध्या नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। दाता रोड पर आवेली अग्रवाल वाटिका में आ भजन संध्या नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। अमदावादना प्रख्यात गायिका ज्योति शर्मा अने वृंदावनना श्यामा बाबानी दासी अने गायिका मीनू शर्मा द्वारा खाटू श्याम भजनों गावामां आव्या हता। तेमना भजनों सांभळता श्रोताओ मंत्रमुग्ध बन्या हता अने मोड़ी रात्र सुधी भजनोनो आनंद माण्यो हतो। अंबाजीना भाविक भक्तोए मोटी संख्यामां भजन संध्यानो लाभ लीधो हतो। आज का जो आपका प्रोग्राम है अंबाजी में खाटू श्याम जी का कीर्तन का, उसके बारे में बताइए। गुजरात की जो धरती है वो भगवान के परम भक्त नरसिंह जी की, जहाँ पर उन्होंने भक्ति माँ को जागृत किया और घर घर में भक्ति की जोत जगाई, ऐसी धरती पर हमें भगवान का गुणगान करने का अवसर गुजरात में बार बार प्रभु दे रहे हैं, उनकी बड़ी कृपा है। और आज अंबाजी में बाबा श्याम का संकीर्तन है और मुझे बहुत 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 खुशी ये महसूस हो रही है। अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हैं जो बाबा ने आज यहाँ पर हमें अम्बे बात के दर्शन भी करवाए और माँ ने अपने चरणों में बुलाया है। तो आप सब जुड़िए इस मुहिम से, क्योंकि जहाँ कहीं भी संकीर्तन हो, कथा हो, स्वयं भी जाइए, अपने बच्चों को अवश्य लेके जाइए। इसी से जन जागृति फैलेगी, एक तरह से एक अभियान हो कि सनातन धर्म जब लुप्त हो रहा था उस वक्त, जब जब सनातन धर्म लुप्त होने की कगार पर या उस पर कोई संकट आता है तो कोई ना कोई भगवान किसी ना किसी स्वरूप में किसी ना किसी को भेजते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जहाँ कथा हो, जहाँ संकीर्तन हो, अपने बच्चों को लेके आइए। जैसे जिस वक्त नरसिंह जी आए थे तब भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भक्ति भाव या कोई भजन नहीं होता था, और उससे भी पहले अगर हम 2200 साल पहले चले जाएं तो सनातन धर्म लगभग लुप्त होने के कगार पर था, जब आदि शंकराचार्य जी ने केवल 32 वर्ष की आयु में ही चार धाम की स्थापना की और सनातन धर्म को पुनः जीवन दान देकर के गए, वो शंकर भगवान ही थे। आज माँ अम्बे की, अम्बे मात के दर्शन के लिए माँ अम्बे ने हमें बुलाया है और ऐसा लग रहा है जैसे बाबा अपनी माँ से मिलने आए हैं और हमें ये सुंदर पल बाबा ने अपने कृपा स्वरूप प्रदान किए कि हम यहाँ पर आकर के माँ के चरणों में बैठ के माँ का भी गुणगान करें और बाबा का जो खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि कलयुग में तुम्हारी घर घर पूजा होगी और मेरे नाम से पूजे जाओगे, वो आज बात स्वतः भगवान का वरदान अब सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। हर घर में बाबा की जोत जगती है, घर घर में श्याम नाम गूंज रहा है। अश्विन जानी नो रिपोर्ट, SNI न्यूज़, दांता।